जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है जिससे वो वायुसेना के विमान से जब वो लौट रहे थे कर्नाटक के दौरे से, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर संगानेर एयरपोर्ट की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर, जहां पर इस वक्त विमान जो है उसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। विमान के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जो है राजस्थान की वसुंधरा राजे, वो प्रोटोकॉल नियमों के तहत यहां पर पहुंची है। बड़ी बात यह है कि अचानक इस विमान की जब लैंडिंग हुई तो तरह तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि विमान की लैंडिंग को लेकर के जिस तरह की तैयारियां जो आमतौर पर, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट, तो यहां पर जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो समय पर पुख्ता तैयारियां मिली और करीब बताया जा रहा जो समय निकल करके आ रहा है 9:00 से 9:15 के बीच में इस विमान की लैंडिंग जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई है। हाई अलर्ट के बावजूद जो है जयपुर एयरपोर्ट के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया, नो फ्लाइंग जोन है वो जयपुर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को कर दिया गया। फिलहाल जो फ्लाइट्स हैं जिनके बारे में जो जानकारी अब तक मिल पा रही है, जो निजी फ्लाइट्स हैं जिनका तय समय से जो शेड्यूल था वो भी जो है इस इमरजेंसी लैंडिंग के कारण कुछ फ्लाइट जो है वो भी देरी से निकल रही है। इंडिगो की एक फ्लाइट है जो दिल्ली के लिए रवाना होती है 10:00 लेकिन वो 10:00 के बाद रवाना हुई है, काफी देरी से उस फ्लाइट को यहां से रवाना किया गया क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पूरा जो महकमा था एयरपोर्ट का महकमा वो और साथ ही साथ में जिला प्रशासन का जो महकमा वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर मौजूद है। आसपास के जो जयपुर शहर का जो ट्रैफिक है एयरपोर्ट के आसपास का उसे फिलहाल यहां पर जो है उस पर कंट्रोल और नजर रखी जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई क्योंकि अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बड़ी शख्सियत है और खुद जो है अभी जो सबसे बड़ा अपडेट जो नया अपडेट अब तक हमारे पास पहुंच रहा राजभवन से जो है राज्यपाल कल्याण सिंह भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और विमान के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल नियमों के तहत उनका स्वागत करने के लिए वो यहां पर पहुंचे क्योंकि राजभवन जब इनको सूचना मिली जो राज्यपाल थे कल्याण सिंह उन्हें सूचना मिली तो उसके बाद में वो सीधे ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रोटोकॉल नियमों के तहत जो प्रोटोकॉल के अधिकारी थे उन्होंने सूचना दे दी थी और उसके बाद में अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर ही है। आपको ये बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है जैसे उन्हें ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं जो अराइवल का जो गेट है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में आवक और जावक का जो गेट होता है वहां पर पहुंचे हुए लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जा रहा क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो प्रोटोकॉल बिल्कुल लवली यहां पर प्रोटोकॉल है। सीएम पहुंचे हैं, राज्यपाल के भी पहुंचने की सूचना मिली, आला अधिकारी वहां पर हैं, कार्यकर्ता हैं, सत्ता संगठन के लोग हैं लेकिन यहां पर जो जानकारी थी उसके मुताबिक विमान के अंदर ही पीएम मोदी काफी देर तक बैठे रहे, अभी भी रास्ता साफ होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या अभी वो विमान में ही है या फिर उनको कहीं अलग यहां पर रखा गया जहां पर लोग मिल रहे हैं उनसे प्रोटोकॉल के तहत और आगे की योजना या कार्यक्रम तय किया जा रहा है? फिलहाल एयरपोर्ट से जो जानकारी मिली थी अब से कुछ देर पहले वीआईपी जो लॉन्च होता है उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया था, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। उसकी जो मुख्यमंत्री सुरक्षा परिषद के जो लोग हैं एटीएस की जो टीमें वो यहां पर पहुंच चुकी थी, सीआईएसएफ की बटालियन ने पूरे एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को खंगाला था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पहुंचने का कार्यक्रम यहां पर 9:00 से 9:15 के बीच में जैसे ये सूचना मिली इमरजेंसी लैंडिंग, उसके बाद में पूरी तरह से जो कंट्रोल रूम है एयरपोर्ट का वहां पर ये सूचना फैली और सभी जो आला अधिकारी थे, जो हालांकि आज संडे का दिन था, कई अधिकारी जो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो चाहे राजभवन के अधिकारी हो, सभी जो अधिकारी थे मुख्यमंत्री कार्यालय के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद जो है ये जो जानकारी निकल करके आ रही है चीफ सेक्रेटरी जो है सीएस राजन उनके साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे प्रोटोकॉल नियमों के तहत और ऐसी सूचना भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइट स्टे का कार्यक्रम बनता है तो वो राजभवन में स्टे कर सकते हैं या फिर एक कोई निजी होटल जो है वहां पर उनका स्टे का कार्यक्रम बन सकता है। फिलहाल आपको सीधे एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर क्या कुछ चौबंद व्यवस्थाएं एयरपोर्ट के आसपास की गई है और पूरी तरह से जो है पुलिस ने आसपास के जो एयरपोर्ट के आसपास के जो रूट्स हैं वहां पर अपना घेरा बना रखा है। सीआईएसएफ ने यहां पर अलर्ट जारी किया है और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको ये कोशिश की जा रही है कि नो फ्लाइंग जोन इस एरिया को बनाया गया कि यहां पर किसी तरह के जो निजी विमान है और जो विमान है वो यहां से ना गुजरे क्योंकि प्रधानमंत्री का यह प्रोटोकॉल है और पूरी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा नियमों के तहत जो है फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है विमान के अंदर ही मौजूद है। विमान के अंदर ही मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची है, राज्यपाल कल्याण सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो ऐसे में फिलहाल उनके रात्रिकालीन विश्राम का कार्यक्रम क्या रहेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जयपुर एयरपोर्ट की आज एक बड़ी परीक्षा हुई है क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना का एक बड़ा विमान जो है उसकी आज लैंडिंग हुई बिल्कुल लवली। यहां पर आपसे समय हमारे पास कम है, आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि अब यहां पर जो तस्वीर है वो क्या कुछ आगे बनती नजर आ रही, बड़ा मामला है, पीएम का मामला है, मौसम मुसीबत बना हुआ है, कार्यक्रम अभी तय नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कुछ कह रही है अभी? देखिए
देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की जहां तक बात करें तो कोई भी इस तरह की पुख्ता जानकारी देने से बच रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल का पूरा नियम है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर अगले एक घंटे के अंदर मौसम अगर साफ हो जाता है, मौसम साफ होने के दौरान जो है उनको भेजा जा सकता है, इस विमान को यहां से उड़ान भर सकता है। लेकिन अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि जो है विश्राम वो राजधानी जयपुर के अंदर ही कर सकते हैं। और राजभवन की जैसी सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राजभवन के अंदर और या फिर किसी एक निजी होटल जिसका नाम सामने आ रहा रामबाग विश्राम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की सफल आपात लैंडिंग राजधानी जयपुर में हो चुकी है और पूरी तरह से जयपुर के अंदर जो प्रशासनिक महकमा है वो हाई अलर्ट पे है। और बिल्कुल बिल्कुल लवली, यहां पर जिस तरह से मौसम मुसीबत बना था उसके बाद पीएम मोदी के वायुसेना के विमान की लैंडिंग कराई गई जयपुर, अभी भी यहां पर उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर है, सीएम मिल रही है, राज्यपाल मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल का यहां पर ख्याल रखा जा रहा, आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहता है, क्या रात में यहां पर स्टे करते हैं या फिर दूसरी फ्लाइट से उनको वहां पर वापस दिल्ली पहुंचाया जाता है। तमाम बातें जिस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।